इससे पहले हम स्टार्ट करें आज की जर्नी, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं अष्टक वर्गा, विनाष्टक वर्गा और संहिता, थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज की जर्नी। और हम ये देखना चाहेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि आमतौर पर वास्तु के अंदर, अच्छा वास्तु में भी इससे पहले किसको वास्तु बिल्कुल नहीं आता, जीरो वास्तु, एनीवन हु डोंट नो एट ऑल वास्तु, तो एवरीवन हैव सम आइडिया, किसी को ज्यादा होगा किसी को कम होगा, बट एवरीवन हैव आइडिया, दैट इज ग्रेट। सो वास्तु के अंदर हम कई बार हमेशा एक ही रहता है कि नॉर्थ का गेट होना चाहिए, गेट ईस्ट का बेस्ट होना चाहिए, कई लोगों की किचन आ जाती है नॉर्थ के अंदर तब भी उनको दिक्कत नहीं देती, कई की साउथ की किचन आती है तब भी उनको तकलीफ हो रही होती है, पर ऐसा क्या हो रहा है, क्यों ऐसा इफेक्ट आ रहे होते हैं? देखो वास्तु हमारा अवचेतन मन की चेतन मन से कनेक्ट करती हुई शक्तियों को वास्तु है, यानी कि अवचेतन मन में जो धारणाएं हमारी विकसित होती हैं, हमारी जो विचार विकसित होते हैं अवचेतन मन से, और वो चेतन मन से जब फ्लो जाता है उनका जो कनेक्ट जाता है उसके माध्यम से जो हमारे हमारा शरीर जो एक्शन करता है, इम्प्लीमेंटेशन जो होती है और हमारी जो धारणाएं बनती है और हमारे भवन का उसी प्रकार से निर्माण और उसी प्रकार से भवन में हमारी चीजें डिजाइन होती है, जैसी चीजें हम कैरी कर रहे होते हैं वैसी चीजें हमारा भवन हमें प्रदान करता है, तो ये वास्तु का इफेक्ट होता है। और भवन हमारे भवन में किया गया वास्तु का समाधान हमें एक्चुअली लाइफ में वो सॉल्यूशन होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कई बार नहीं आ पा रहे। अभी एस्ट्रोलॉजी का इसमें क्या रोल प्ले हो गया? एस्ट्रोलॉजी हमारी वो जर्नी है, वो बाता है, वो मदर बोर्ड है जिसके ऊपर पूरा ये वैदिक साइंसेस हमारी टिकी है, ये वैदिक हमारा जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है दैट्स अ स्ट्रक्चरल डिजाइन का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, दैट इज एस्ट्रोलॉजी, जो ज्योतिष शास्त्र। हमारा ज्योतिष शास्त्र हमें मतलब ज्यादा डीप पे नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा हम बात करेंगे क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है उस पर तौर पर आएंगे। हमारा ज्योतिष शास्त्र हमें ये बताता है कि हम जब जन्म लिए तो हमारे जन्म लेते वक्त हमारी अपनी जो प्रावध आई है और संचित क्रम में से जो हमारी प्रावध ने हमें दिए हैं कुछ क्रम, उसकी पोजीशनिंग कैसी है, प्लैनेट की पोजीशनिंग कैसी है और कौन सा प्लैनेट क्या रोल प्ले कर रहा है, अंतर्गत किसके अंतर्गत उस एनवायरमेंट के उस दायरे के अंदर जो दायरा नक्षत्र और राशियों द्वारा क्रिएट हुआ और किसके घर में बैठ के क्या कर रहा करेगा, तो घर हो गए हाउसिंग, तो ये पूरा संक्षिप्त के अंदर आप देखेंगे तो वो चीजें हमारे जो डिजाइन हमारे चार्ट से मिली वो हमारा पूरा डिजाइन आया है एट द टाइम ऑफ द बर्थ इटसेल्फ और इट इज बीन डिसाइडेड बिफोर द बर्थ इटसेल्फ राइट। सो बिफोर लाइक इट इज बीन डिजाइन व्हेन द व्हेन अ जातक कंसीव्ड, आई मीन जब उसका बीज ही आता है तभी तक तभी से ये उसकी पूरी सिस्टम डिजाइन होके आ जाता है क्योंकि संचय क्रम में से उसकी पत्नी तभी बन जाती है राइट। अब जब वो जन्म लिया बाहर आया उसके बाद उसने अपना जीवन व्यतीत करना है उसके लिए पूरा डिजाइन तय है। अब उस डिजाइन को अगर मद्देनजर नहीं रखते और केवल वास्तु पे ही सीधा काम करते हैं तो हमारे को एडिकेट रिजल्ट नहीं मिल पाते, जिसकी हम आशंका करते हैं, जिसकी हम प्रयास करते हैं वो रिजल्ट हमारे को मिल पाने में तकलीफ रहती है। द वेरी रीजन इज दैट वास्तु एक स्टैंडर्डाइज कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो ऑफ एनर्जीज है वास्तु के तहत, जब उसको हम अपनी पर्टिकुलर सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं तो उसके फ्लो के अंदर विभिन्नताएं आ जाती हैं और जो हर आदमी के लिए कस्टमाइज हो जाता है, हर आदमी के लिए, हर इंसान के लिए, हर जातक के लिए वो अलग अलग तरीके से काम करती हैं। इसीलिए एक बिल्डिंग के अंदर रहते हुए भी बहुत सारे लोगों का वास्तु अलग अलग काम कर रहा होता है और एक घर के अंदर रहते हुए भी अलग अलग काम कर रहा होता है और एक बड़ी सी इमारत मल्टी स्टोरी इमारत में भी रहते हुए हर फ्लैट ऑनर का वास्तु अलग अलग काम कर रहा था जिसकी पूरे फ्लैट का डिजाइन ऊपर से नीचे तक एक ही स्पाइट ऑफ दैट। द वेरी रीजन इज दैट उसके नक्षत्र, उसके प्लैनेट की पोजीशंस, उसके नक्षत्र का एक्टिवेशन टाइम सब कुछ विभिन्न है। वो उसके कर्मों के साथ जुड़ के जो उसकी पत्नी बन के आई है वो उससे कनेक्ट करके काम कर रहा है, इसीलिए उसके रिजल्ट्स होते हैं वेरी कर जाते हैं।